वेस्टइंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल ने सफाई देते हुए कहा है कि अभी उन्होंने रिटायर होने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर के खत्म होने का समय जल्द ही आ रहा है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन की वजह से उनकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। दो बार के T20 विश्व कप चैंपियन टीम शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 विकेट से मैच हार गई। इसके बाद गेल ने संकेत दिया था कि यह देश के लिए उनका आखिरी मैच हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं अर्धसेवानिवृत्त हूँ। गेल की टीम के साथियों द्वारा मैदान पर बल्लेबाजी करने जाते समय उनकी सराहना की गई और उनके आउट होने के बाद भी सलामी दी गई। इसके बाद उन्होंने अपनों से मुलाकात करते हुए उनके दस्ताने भेंट किए। वहीं मैच के अंत में मैदान से बाहर जाते समय संन्यास लेने वाले ड्वेन ब्रावो के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 42 साल के आक्रामक बल्लेबाज गेल आउट होने के बाद मैदान पर फैंस को पल्ला उठाते हुए उन्होंने धन्यवाद दिया और इससे सबको लगा कि यह उनका विदाई मैच था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मैच के बाद एक फेसबुक शो में गेल ने साफ किया कि उन्होंने अभी संन्यास लेने का कोई फैसला नहीं किया है। गेल ने कहा, मैं स्टैंड में फैंस के साथ बातचीत करने के दौरान मजाक कर रहा था, जो कुछ भी हुआ उसे एक तरफ रख दें, हालांकि यह मेरा आखिरी विश्व कप मैच था। अपनी बात को साफ करते हुए मैच से पहले गेल ने कहा, मैं एक और विश्व कप खेलना पसंद करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे मुझे अनुमति देंगे। मेरा एक अभूतपूर्व करियर रहा है, मैंने किसी भी प्रकार की संन्यास की घोषणा नहीं की। उन्होंने मुझे जमैका में मेरे घरेलू मैदान पर अपने लोगों के सामने एक मैच दिया है, जिससे मैं फैंस को शुक्रिया बोल सकता हूं। अगर नहीं, मैं थोड़े समय बाद इसकी घोषणा करूंगा और फिर मैं ब्रावो के साथ मिलकर सबको धन्यवाद कहूंगा। वेस्टइंडीज के इस दिग्गज खिलाड़ी के पास 79 T20, 103 टेस्ट और 301 वनडे खेलने का अनुभव है। गेल का अंतर्राष्ट्रीय करियर 22 साल और 3 दशक का रहा है। गेल के लंबे करियर में कई उथल पुथल चीजें हुई हैं जिन्हें भुला दिया गया, जिसमें 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में संन्यास के साथ दिल की सर्जरी भी शामिल है। वो कहते हैं, मैंने बहुत संघर्ष किया। अपने दिल की सर्जरी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, लेकिन मेरा करियर शानदार रहा है। मैं वास्तव में आज यहाँ खड़े होने के लिए सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। 42 की उम्र में भी अच्छा कर रहा हूँ, मेरा करियर बहुत अच्छा रहा है। हाँ, थोड़ी दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन मैंने वेस्टइंडीज क्रिकेट में खून पसीना बहाया है। आप इसे जो भी बोले, मैं अभी भी वेस्टइंडीज के लिए बल्लेबाजी कर रहा हूँ। वेस्टइंडीज के लिए खेलना हमेशा से खुशी की बात थी। मैं वेस्टइंडीज के बारे में हमेशा तैयार हूँ। जब हम खेल हारते हैं तो वास्तव में बहुत दुख होता है। फैंस मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं एक एंटरटेनर भी हूँ। जब मुझे उनका मनोरंजन करने का मौका नहीं मिलता है तो इससे मुझे बहुत दुख पहुँचता है। हो सकता है कि उस बात को ना समझो, लेकिन जब मैं फैंस का मनोरंजन नहीं कर पाता तो दुखी हो जाता हूँ, खासकर इस T20 वर्ल्ड कप के लिए। वहीं इस T20 वर्ल्ड कप से पहले यूनिवर्स बॉस बीमार पिता के सदमे से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता था कि मेरे पिताजी विश्व कप के पहले मैच के बाद से बीमार हैं, इसलिए मुझे जमैका वापस जाना होगा। देखते हैं कि उनकी हालत को लेकर डॉक्टरों का क्या कहना है। वह 91 साल के हैं और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए मुझे जल्द घर वापस जाना है। आईएनएस रिपोर्ट।